क्योंकि हमारे इंडिया में आपको पता है जो 5 साल के बच्चे स्पेशली सबसे ज्यादा किससे मरते हैं? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और शिमला के बाद आज हमारा पहला व्लॉग है, ठीक है। और आज मैं लेके जा रहा हूँ बच्चों को घुमाने के लिए। और आज भी एक टूर है छोटा सा, जलालाबाद जाएंगे, वहाँ पे हॉस्पिटल घुमाएंगे बच्चों को। हॉस्पिटल है या इंस्टीट्यूट है मुझे नहीं पता, वहाँ चल के पता चलेगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और मेरी शीर्षी भी घर पास पास आ गया और ये रो रही है, स्कूल जाना नहीं, स्कूल नहीं ना, बोल दो इनको गाइस, बोल दो। अरे बच्चों बच्चों मेरा पता होता तो फिर आ गए नकम्मे बच्चे। सीटा सारी खाली पी असि इन्होंने शिमला घुमा के लिया रहे हैं। चलो भी अभी हमारा शुरू हो रहा टूर, पूरे 36 बच्चे हमारे साथ और 2 टीचर हैं। मैं लास्ट से बैठूंगा। जप जी है क्या? पहुंच गए हम जलालाबाद हॉस्पिटल, ठीक है। और अभी बस में बच्चे हैं, मैं देखने के लिए आया था हॉस्पिटल कहाँ है, तो पीछे हॉस्पिटल है और बस आ गई। हाँ लाइन बना के जाओ भी, लाइन बनवा, 2 लाइन बनवा दी, सिंगल लाइन बनवा लो छोटा। हेलो शाबाश 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 शाबाश। चलो 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 चल गुड़िया चल, मैं लेके आना ना बन। चलो 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 शाबाश, इनको लाइन में लेके जाने पड़ेगा। चलो 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 चलो, रुको ना रुको ना। लो अभी ऐसी हबोर तो इन्ने मरीज लेके आए ना वास्ते, हर एक मरीज के नाल मेनू कंबल मिलूगा। किन्ने मरीज हो गए? 36 कंबल लेके जाने मैं। चलो ये ओपीडी है ना, ओपीडी बिग बॉस देख लो, ऊपर चेक करो क्या है ना। अप्लाई करके उसकी भी हेल्प कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स की भी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है इंडिया में लूज कितने कॉमन है ना, बहुत कॉमन है। बच्चा है चाहे मतलब 5-6 महीने का, चाहे कोई बुजुर्ग है, किसी को भी मान लो स्कूल लगते हैं, सबसे पहले क्या करना होता है उस केस में, किस चीज़ का खास ख्याल रखना होता है? सीधा उठा के एंटीबायोटिक नहीं देनी होती, जो कि जलालाबाद बड़ी फेमस है हर बात पे, ठीक है।
सबसे पहले बच्चे दो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है, उस बंदे को बनाना खिलाना है, ठीक है, बनाना दही के अलस बच्चे को बहुत ज्यादा कोल्ड कॉफ हो तब नहीं देना होता, लेकिन बनाना और दही हो गई, खिचड़ी हो गई, ठीक है, ORS ORS पता है क्या होता है? ORS ओरल ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो मान लो शॉप बंद है, पानी उबाल के जो कोसा हो जाता है उसमें क्या करना होता है, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, शिकंजी सी बन जाती है, ठीक है, वो उसको फ्रीक्वेंटली खिलानी है। जब भी लूज टू लगते हैं इसका मतलब ये नहीं होता इन्फेक्शन है, अगर येलो कलर आ रही है तो, ठीक है, अगर बॉडी का कलर चेंज हो रहा है, ब्लैक है या हरा हो रहा है, उस केस में हमें डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन कहीं जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में आपको पता है जो 5 साल के बच्चे स्पेशली सबसे ज़्यादा किससे मरते हैं, लूज टू, ठीक है, और एक छोटी सी चीज़ है जिससे हम किसी को भी बचा सकते हैं। और उसको सडनली मान लो फेंट हो गया, वो क्या करोगे, खड़ा खड़ा फेंट बेहोश हो गया, क्या करोगे? खैर आप ऐसे करोगे बच्चे, उस केस में ये सब करके उसके जो पैर है ना उसको ऊपर जरूर उठाओगे, ठीक है, उससे क्या होता है जो बॉडी का सर्कुलेशन होता है ना वापस हार्ट की तरफ आता है, क्योंकि जो हमारा बीपी डाउन होता है ना उसकी वजह से बंदे का हेल्थ चेंज होता है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है किसी का ब्लड प्रेशर कम होना, ठीक है, तो अगर आप उसके पैर ऊपर की ओर उठाओगे बंदा लेटा हुआ है तो सारा प्रेशर कहाँ जाएगा, हार्ट की तरफ जाएगा, तो दैट इज अ फर्स्ट वे। उसके बाद मान लो थोड़ा सा पेशेंट कॉन्शियस हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, इसको हॉस्पिटल लेकर भागो, नहीं ना, और हॉस्पिटल जाने में कई बार आधा घंटा 15-20 मिनट लग जाते हैं आराम से, तो वो जो 15-20 मिनट है किसी भी बीमारी में जो पहला हाफ एन आवर होता है, पहला 1 आवर होता है उसको हम कहते हैं गोल्डन आवर, ठीक है, उसमें आप किसी भी पेशेंट को बचा सकते हो, चाहे पेशेंट को हार्ट अटैक ही क्यों ना आया हो, ठीक है। तो उस केस में आपने क्या करना है, मान लो पैर ऊपर किए, उसके बाद पेशेंट को कुछ भी शिकंजी बनवा लो, बच्चों को समझाने के लिए लाए थे मरीजों को कैसे जमा दाखिल किया जाता है हॉस्पिटल में, कैसे कैसे उसकी केयर की जाती है, लेकिन मेरे पास 2-3 मरीज हो चुके हैं। कुछ बच्चे बीमार हो चुके हैं यार। ये टूर इस बात के लिए है कि बच्चों को थोड़ी सी नॉलेज हो जाए डॉक्टरी के बारे में, ठीक है, घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी को, वो किस तरह उसको दाखिल कर सकते हैं हॉस्पिटल में, किस तरह उसकी केयर कर सकते हैं पहले, ठीक है। सभी बच्चे यहाँ पे शूज उतार रहे हैं, आगे मंदिर है। ये तो भज भी मैं तो तैयारी तो सी कि अंदर अंदर क्या है, लवी मैं चप्पल मिल गई, हमें देख के अंदर दे डाली की शक्ल तो दिखाओ चप्पल दी है जी आज। दसोंगे थोड़ा, ये गहनी दी ओटी है अपने, अच्छा जी, गहनी दी एंटी दी ओटी है, अच्छा जी, मेन प्लेट इत्थे होंदी जी। तो उसकी स्मेल काफी अजीब है यार, अच्छा अच्छा आवाज जी कहती आ गई, आवाज ऑटो प्ले चल रही, अच्छा ऑटो प्ले है, नहीं सारे ऐसे कर देंगे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हैं सारे, अच्छा अच्छा, गोंद गोंद हो गए, शीटा हो गए, सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए जो हो गए, ठीक ठीक। फिलहाल तो सिर स्मेल दुखन लग गया ना, कितनी कितनी स्मेल, वो कहते अभी बढ़िया किया है, सी फैमिकेट किया है, सी भी हाँ सारा कुछ किया है, ठीक है, बस हम तो थोड़ा ही रह गया।
सारे बच्चों को पूरा हॉस्पिटल घुमा रहे हैं और अच्छे से नॉलेज दे रहे हैं हर चीज़ की, ब्लड बैंक कैसे काम करता है, ठीक है, ओटी कैसे काम करता है, कैसे क्या मशीन किस काम आती है, एक्सरे कैसे किया जाता है, मरीज को कैसे दाखिल किया जाता है। तो मेरे ब्लॉग पे ये लोग हंस रहे हैं। और तो अभी विजिट जो विजिट हो चुका है पूरा, ठीक है, कंप्लीट कर दिया हमने, बच्चों को अच्छे से घुमा लिया है सारा हॉस्पिटल, सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल चुकी है और इसके बाद चल रहे हैं अपनी बस पे और उसके बाद पार्क। अभी देखते हैं कहाँ जाना है मुझे भी। आ जाओ सर, आ गए, ए आ गए, आ गए सर। तेरा बैग, तेरा बैग किथे है? कर लेंगे भाई तेरा बैग। भैया कहंदे बच्चे नु सड़क पार करनी पवेगी क्योंकि जगह पाए बस लेवांगे इधर नहीं छड़ा मैं कोई गल करवाना। हम बच्चों को लेके जा रहे हैं राधा स्वामी डेरा में, ठीक है, वहाँ पे बैठ के ये खाना पीना खा लेंगे अपना और थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। जो जो बच्चे खाना लेके आए हैं वो खा रहे हैं और जो नहीं लेके आए वो आप मुझे बता रहे हैं। ये जो खाना नहीं लेके आए इनमें से कुछ लोगों ने अपना पेट खाली कर लिया उल्टी करके। कुड़ियों नूं लैके आया हूं अपने नाल। सारा बाजार मेरे नाल है। अभी हम पहुंच गए हैं अबोहर शहर में। अरे अगे बेटा अगे है, ये लोग मुझे बोल रहे हैं वीडियो बना रहे हैं आप, और ये देख लो सारी। अच्छा तू आना आया। इनको ढूंढना पड़ता है, कभी कोई कहीं निकल जाता है, कोई कहीं निकल जाता है। बहुत गंदे, कुछ नहीं दिख रहा है। ये सर है, ये मेरे भाई है और ये मुझे कुछ दिलाते हैं। देखो सर, हेलो गाइस, हम यहाँ पर कुछ खाते हैं। अबोहर शहर के गेड़े देने के बाद आप ये सामान लेके अपना जा रहे हैं घर की और वापस रामसरा। जब इन्होंने उतार देंगे छड़ देंगे करे फिर टेंशन उतरेगी। अब रामसरा आ गया, रामसरा। बाय बाय बाय। लो जी अपना हो गया टूर यहाँ पे पूरा, आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में किसी और जगह पे किसी और बच्चों के साथ।